केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हैदराबाद में आयोजित हुए आईपीएस प्रोबेशनर्स के 75वें बैच की पासिंग आउट परेड कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान कार्यक्रम में तेलंगाना की राज्यपाल सहित कई अन्य बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम में सभी पास हुए प्रोबेशनर्स को संबोधित करते हुए उन्हें प्रशिक्षण पूरा करने के लिए बधाई दी। आपको बता दें कि इस बैच में कुल 105 आईपीएस प्रोबेशनर्स ने पहले चरण का प्रशिक्षण पूरा किया है, जिसमें 32 महिला प्रोबेशनर्स भी शामिल हैं। आईपीएस प्रोबेशनर्स के 75वें बैच का ये प्रशिक्षण 19 दिसंबर 2022 को शुरू हुआ था, जो आज इस परेड कार्यक्रम के साथ समाप्त होगा। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मेरे साथ यहां उपस्थित तेलंगाना की महामहिम राज्यपाल महोदया, एकेडमी के डायरेक्टर श्रीमान गर्ग, भारत सरकार के गृह विभाग के सचिव श्रीमान भल्ला जी, आसूचना ब्यूरो के डायरेक्टर महोदय, सीबीआई के डायरेक्टर, उपस्थित सभी एकेडमी के रिटायर्ड डायरेक्टर, जो दीक्षांत लेकर यहां से आज सेवा में अपना प्रथम कदम रख रहे हैं, उनके परिवारजन और प्यारे प्रशिक्षु भाइयों और बहनों, आप सभी को आज के अवसर पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद देना चाहता हूं। आज का ये दिन मेरे सामने जो 75वीं आरआर के दीक्षांत परेड में खड़े हुए प्रशिक्षु है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु आज का दिन एक प्रकार से मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए आचार संहिता की दिक्कतें होने के बावजूद भी आज मैंने यहां उपस्थित रहना ठीक समझा था। मैं आज सभी को एक बात बताना चाहता हूं कि आप वो भाग्यशाली अफसरों में से है जो देश जब आजादी की शताब्दी मनाएगा, तब देश की पुलिस व्यवस्था में 25 साल के बाद कहीं न कहीं टॉप पर होंगे, नेतृत्व करते होंगे और देश की आंतरिक सलामती आप सभी के हाथों में होगी।